यस सर। नोट करना क्वेश्चन, तुम्हें दे रखा है एच सी ओ एच दे रखा है, गिवन फॉर्मिक एसिड विद पीएच इज इक्वल टू 3.7 और उसका के दे रखा है 2 × 10⁻¹⁴। तुम्हें निकालना है अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड इन 10 लीटर ऑफ एच टू। क्वेश्चन क्लियर है, चाहे अप्रोक्सीमेट निकाल लेना, अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड इन 10 लीटर एच टू। एक बार ना के की वैल्यू ना ज्यादा है बहुत, ये कम कर दो, 2 × 10⁻⁴ है के की वैल्यू। क्लियर है, के की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ है। नोट कर लिए, यस विनय, विनय अटेंडेंस जरूर भेज देना ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर, सही है बीच में। ओके सर, ये 2 मिनट का टाइम मैं और दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम मान के चलना कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एज ए टेस्ट है ये तुम्हारा, ठीक है ना, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन मानना। 2 मिनट का टाइम और है और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुमने सही किया इसका मतलब।
सर बोलो सर, वो कैलकुलेट के बाद आपने क्या लिखा है एक बार दोबारा बता दो। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन 10 लीटर वाटर, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन 10 लीटर वाटर। ओके सर। चलो निकाला किसने आंसर? किसने आंसर निकाला इसका? देवांश देवांश विनय और कोई बच्चा मेडिकल सेक्शन? यस सर। निकाला आंसर नहीं सर? 4 × 10^-4 आ रहा है। 4 × 10 क्या? मैंने वेट पूछा ना, वेट पूछा तो ग्राम में निकालेगा ना। ओके सर। सर 0.18 ग्राम। 0.18 ग्राम किसने निकाला ये? सर मेगा। चलो मेगा एक बार बताओ कैसे किया। देखो तुमने ट्राई अच्छा किया होगा, लेकिन वो बताओ कैसे किया तुम, बोलो।
नहीं पता है? नहीं निकाला किसी ने भी? देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने कराए नहीं क्वेश्चन, ये सारे कराए हुए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है उल्टा। इसमें थोड़ा सा मोलैरिटी नॉर्मलिटी अप्लाई करना है। देखो जरा आंसर, आंसर देखना इसका कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप जो चेक करेंगे, यहाँ पे पी एच है 3.7 और पी के ए भी निकालोगे तो माइनस लॉग के वो भी 3.7 आएगा। पी के भी क्या आ रहा है 3.7, देख लो चेक कर लो, 4 माइनस लॉग 2 आएगा, लॉग 2.3 होता है, ये भी 3.7 है। इसका मतलब पी एच और पी के बराबर है, तो पहले तो दिमाग में रखना है इट इज नॉट ए वीक एसिड। वीक एसिड नहीं है ये, क्योंकि पी एच जो वीक एसिड के लिए क्या होना चाहिए मैंने बताया हो तुम्हें, पी के ए माइनस 1, याद है कि नहीं? ये पी एच अगर लेस देन पी के ए माइनस 1 से है, जैसे पी एच 3.7 है तो ये 2.7 भी नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू 2.6 है और पी के माइनस 1, एक मिनट, इसकी वैल्यू जो है पी के माइनस 1 निकालोगे तुम अगर, तो वो लेस देन होना चाहिए किससे, पी के माइनस 1 से, यानी पी के तुम्हारा 5 होता तो 5 माइनस 1 4 आ जाता, 3.7 इज लेस देन 4, तो जाके ये वीक एसिड होता। अगर ये 3.7 भी होता तो भी इक्वल होते दोनों, तो उस केस में भी वीक एसिड नहीं है। तो यहाँ तो पी एच और पी के बराबर है, डेट मीन्स इट इज नॉट ए वीक एसिड। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे दोबारा? ये फर्स्ट कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, पीएच जो है सेंस पहला सॉल्यूशन में, देखो सही नहीं हुआ किसी का इसका मतलब है पीएच इज लेस देन पीके माइनस 1 देन वीक एसिड, देन वीक एसिड। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं कहेंगे, हाँ ये वीक एसिड नहीं है, बस हम ये बोल सकते हैं इट इज नॉट ए वीक एसिड, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं। ये आ गया पहला पॉइंट। उसके बाद अब हमें पता है HCOOH, जो इसमें जो अप्रोक्सीमेशन वाला कंसेप्ट है वो मत लगाना, सही ना, इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो HCOOH टूटेगा, HCO माइनस प्लस प्लस सी माइनस सी अल्फा होगा ये, तो ये सी अल्फा, तो K तुम्हें याद होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंस करेंगे तो सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। हमें K पता है और pH पता है, pH यानी सी अल्फा पता है, pH का मतलब क्या है, पीएच दे रखा है 3.7, यानी एच आयंस आ जाएंगे सीधा, माइनस लॉग ऑफ एच आयंस इज इक्वल टू, मैं रब कर दूंगा ध्यान रखना, पीएच से मैं एच आयंस निकाल रहा हूँ सिंपली, एच आयंस जो कि सी अल्फा होते हैं, एच आयंस जो कि सी अल्फा होते हैं, माइनस लॉग ऑफ एच आयंस 3.7, तो माइनस 3.7 यानी माइनस 4 प्लस 0.3 यानी 2 इंटू, तो एच आयंस आ गए यहाँ से 2 इंटू माइनस 4, ये सबको आना चाहिए। लॉग एंटी लॉग मैंने सबको एक बार वीडियो भेजे हुए हैं और 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, किसी को नहीं आता लॉग एंटी लॉग जल्दी सॉल्व करना तो मेरे से ले लेना वीडियो, वो चेक कर लेना जरूर, क्योंकि वो 11th 12th दोनों में यूज होना है लॉग एंटी लॉग निकालना। एच आयंस आ गया 2 × 10⁻⁴, एच आयंस 2 × 10⁻⁴ है और के भी 2 × 10⁻⁴ है, एच आयंस होता है सी अल्फा, ये तुम्हें याद होगा और ये तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे, एच आयंस कितना आया सी अल्फा, एच आयंस कितना आया सी अल्फा, तो यहां से आ गया के ए की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ थी, सी अल्फा भी 2 × 10⁻⁴ है, एक अल्फा बच जाएगा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, तो ये 2 × 10⁻⁴ से 2 × 10⁻⁴ कैंसिल, 1 माइनस अल्फा अल्फा आ गया हाफ सीधा, आ गया ना 50%, देखो अल्फा आ गया 50%, अल्फा 50% आ गया, मेरे को चाहिए कंसंट्रेशन इसका HCOH का, अल्फा 50% आ गया, एच आयंस थे सी अल्फा, ध्यान देना एच आयंस थे सी अल्फा, मेरे को सी की वैल्यू चाहिए, एच आयंस कितना था 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ और सी इंटू अल्फा कितना आया हाफ, तो सी आ गया यहाँ से 4 × 10⁻⁴, सी 4 × 10⁻⁴ आ गया, यानी 4 × 10⁻⁴ मोलर, मोलर यानी मोल्स पर लीटर, एक लीटर में 4 × 10⁻⁴ मोल, एक लीटर में 4 × 10⁻⁴ मोल, ये आ गया, तो 10 लीटर में कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ मोल, इतने मोल हो जाएंगे 10 लीटर में, ये मोल आ गए। HCOH का वेट देखो कितना आ रहा है, CO2 था 44 प्लस 46, वेट है इसका, वेट इसका कितना है 46 है कि नहीं, तो इसको 4 × 10⁻³ × 46 कर देंगे, ये आ जाएगा 10 लीटर के अंदर, कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, ये आ जाएगा
46 इंटू 4 92 का डबल 184, 184 यानी 0.184 ग्राम, 0.184 ग्राम आ रहा है कि नहीं? एक बार चेक करो, कोई डाउट तो पूछ लो, ये 0.184 ग्राम आ रहा है ना? ये पूरा न्यूमेरिकल बताओ, किसको समझ आ गया? अब देवांश? यस सर। समझ आया कि नहीं है? यस सर। अच्छा देवांश, क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन? ये क्या क्वेश्चन, टफ था या कंसेप्ट बताया नहीं कोई? नहीं सर, टफ तो नहीं था, बट मैंने अप्रोक्सीमेशन वाले से निकालना सोचा था पहले। देवांश मैंने कह रहा, नया क्वेश्चन कोई भी आएगा आईआईटी के अंदर तो हमेशा पहले क्या चेक करना है, वीक एसिड है कि नहीं, ये ध्यान रखना। हर कोई बच्चा यही गलती कर जाता है पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के जिसमें तुम्हें एच को, अगर सॉल्ट है तो एच को नेगलेक्ट नहीं करना होता है। इसमें अल्फा को क्यों नेगलेक्ट नहीं करना था, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। वो कंसेप्ट याद था, पीएच लेस देन पीके माइनस वन, ये बहुत देख दाग के बनाया पूरा ये कंसेप्ट कि क्या कहते हैं, इस चीज को चेक कर लेते हैं तो उससे डायरेक्ट पता चलता है कि वीक एसिड है कि नहीं। नहीं तो दो चीजें चेक करते हैं, एक अल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन 5% होना चाहिए, दूसरा अगर पीएच और पीके दे रखे हैं तो अल्फा हम डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते, तो ऐसे चेक कर लेना, पीएच शुड बी लेस देन पीके माइनस वन। चलो एक बार जल्दी से हैंड जेस्चर करेंगे, जिसको समझ आ गया दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो, मैं आगे कंसेप्ट दे रहा हूँ। फिर आप मयंक, देवांश, विनय, ऋषिका, निवृत्ति, मानवी, प्राची, निशांत, गुनगुन, आस्था, मेघा, ध्रुव, मुकुल, दीपांशु, चित्रांशी, चमन, विष्णु, अंश, अभी भी चार पांच बच्चे रह रहे हैं, तुम लोग फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आभा, राधिका, साक्षी, शिवांश, तुषार, कोई पॉइंट पूछना तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो मैंने तुम्हें ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट बता दिया था, उसमें डिटेल दे दी थी, उसमें सारा तुम्हें मैंने और क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आना है, यही क्वेश्चन आना है, एक दे देंगे कंपाउंड, तुम बोलेंगे इसका कंजुगेट एसिड बताओ, कंजुगेट बेस बताओ, उसका एसिड निकालना है तो एच प्लस ऐड कर लेना, जैसे मैंने एच सी ओ थ्री नेगेटिव दिया था, इसमें अगर एच प्लस ऐड करोगे तो एच टू सी ओ थ्री बनेगा, ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट एसिड है, और कंजुगेट बेस निकालना है तो माइनस कर देना एच प्लस को, और चार्ज को नेगेटिव में एक बढ़ा देना, और इस वाले में चार्ज को कम कर देना, चार्ज का जरूर ध्यान रखना। तो ये हमारा कंजुगेट बेस है और कंजुगेट एसिड, ये इस तरह से निकाल। फिर एक रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू के एंड के बी, ये तुम शुरू से भी यूज करते हुए आ रहे हो, इसकी डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्या फॉर्मूला था इसका, रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू के एंड के बी, क्या होता है KW, K and KW is equals to KA plus में KB, और ये 10 raised to the power minus 14 at 25 degree Celsius। गलत बोला बिल्कुल, KW is equal to KA into KB होता है, प्लस नहीं आएगा into आएगा, ये गलतियां मत करो, PKW होता है PK plus PKB, ध्यान रखना, ये कंजुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, कंजुगेट एसिड बेस, KA into KB बोला है ना, ये एसिड है तो उसी का कंजुगेट बेस का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है ये, उसी के, ये नहीं कि तुमने एसिड तो कोई और ले लिया, एसिड ले लिया तुमने HCOOH और बेस ले लिया अमोनिया, ऐसा नहीं है कुछ भी, HCOOH अगर एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस है HCOO नेगेटिव, इसका है KB, इसका है KA, ये याद रखना जरूर, जैसे मैं HA ले रहा हूँ एसिड, मान लो HA, ये टूटा H प्लस प्लस A नेगेटिव में, KA क्या होगा यहाँ से H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए, ये होगा के ए, ये होगा के ए, ऐसे ही एच बी टूटेगा एच प्लस प्लस बी नेगेटिव, यहाँ पे के बी जो लिखोगे वो ये वाला नहीं है, मैं तुम्हारे दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, एच बी टूटेगा तो इसका नहीं है कि बेस मान लिया इसको या एसिड का कंजुगेट बी ओ एच मान लिया, वो नहीं लेना तुम्हें, एच ए अगर है तो उसका कंजुगेट बेस ए माइनस है, ए माइनस का लेना है, ए माइनस टूटा एच ए प्लस ओ एच माइनस में, यहां पे लिखोगे अब के बी, तुम ये वाला के बी है, ये कोई और बेस मत ले लेना,
तो ये टूटा के बी जो है, अब ये टूटेगा एच ए इंटू ए ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए माइनस, बस अब तुम निकाल लो के इंटू के बी, देखो के डब्ल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं, के इंटू के बी निकाला तुमने, देखो ए माइनस कैंसिल, एच ए से एच ए कैंसिल, एच प्लस आयंस इंटू ओ आयंस आया वो आ गया के डब्ल्यू के इक्वल, यही के डब्ल्यू होता है कि नहीं, ये आ गया के डब्ल्यू, और दोनों साइड टेकिंग नेगेटिव ऑन लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा उससे माइनस लॉग के ए प्लस माइनस लॉग के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो ये आ गया पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, ये आ गया सही ना, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, डिराइव भी कर दिया, ऐसे ही पी के डब्ल्यू पी एच प्लस पी ओच के इक्वल भी था, ऐसे ही पी के डब्ल्यू पी एच प्लस पी ओच के इक्वल भी था, तो ये रिलेशन तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर, रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट हमने कर लिया है, लिव्स कंसेप्ट किसी को याद है, मैंने पहले बताया हुआ इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर लिव्स कंसेप्ट, नहीं याद, न्यूक्लियोफाइल्स में बताया हुआ कि नहीं है देवांश, यस सर, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स जो बताया था, इलेक्ट्रोफाइल्स और लिव्स एसिड, न्यूक्लियोफाइल्स और लिव्स बेस, जब जीओसी पढ़ाया था, मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में लिख देता हूँ, लिव्स कंसेप्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ उसको क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में लिया हुआ टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करेगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई होगा तो वो लिव्स एसिड, तो लिव्स एसिड है, इलेक्ट्रॉन डोनर अगर कोई होगा तो लिव्स बेस, एक्सेप्टर लिव्स एसिड है, डोनर लिव्स बेस है, एक्सेप्टर लिव्स एसिड है, डोनर लिव्स बेस है, ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना, लिव्स एसिड लिव्स बेस एग्जांपल्स इसकी ऑल कैटायंस, जितने कैटायंस हैं जैसे Ag+ Cu2+ मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई भी कैटायन आ रहा है ना वो लिव्स एसिड ही होगा, वो क्या होगा लिव्स एसिड, व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ऑल कैटायन बस अमोनियम आयन H3O+ ये नहीं है लिव्स एसिड, ये याद रखना, ये नहीं होंगे, ये लिव्स एसिड नहीं है याद रखना, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तुम देखो कुछ ना समझ आए ना ऐसे करके देख लिया करो, Ag+ में इलेक्ट्रॉन डाला तो Ag तो एग्जिस्ट करेगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन डाला इसके पास कोई खाली जगह नहीं है, इसके पास कोई खाली जगह नहीं है, ऑक्टेट ऑलरेडी इसका कंप्लीट है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, कोई खाली जगह नहीं है इसके पास ना ही इसके पास, ये दो केस याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह भी होनी चाहिए सही ना, तो इनके पास कोई खाली जगह नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, और इसके एन प्लस के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, मोनोकैटायंस जितने होंगे हाँ वो सही बोला है वो लिव्स एसिड होंगे मोनोकैटायंस, देखो लेकिन हाँ एन ए प्लस जैसे आ गया तो ये बहुत ही वीक होगा क्योंकि नॉबल गैस कंफिगरेशन आ रही है एग्जैक्टली, तो एक्सेप्ट करने के चांसेस कम होंगे, एक्सेप्ट तो करेगा क्योंकि कैटायनिक स्पीशीज लेस स्टेबल होते हैं, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे BX3 में BF3 BCl3 BBr3 Bi3 कुछ याद आ रहा है, सब पढ़ाया हुआ तुम्हें, ये सब क्या है लूज एसिड बिकॉज दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BeX2 में BeF2 BeCl2 BeBr2 BeI2 AlX3 AlF3 AlCl3 AlBr3 AlI3 समझ गया कि नहीं, अब मैंने जो लिखे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अभी तुम एक क्वेश्चन करोगे इसके अंदर से, इनमें से ना इन सब में से एक ऐसा है जो लिव्स एसिड नहीं है, बताओ कौन सा, सही ना, तीसरा है कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जैसे CO2 CO2 में O इलेक्ट्रॉन लेगा, O पे नेगेटिव आएगा, सी पे पॉजिटिव आएगा, सी पे पॉजिटिव आया ना पाई इलेक्ट्रॉन था, सी पे पॉजिटिव आया इसलिए क्या होगा, ये इसलिए क्या होगा ये लिव्स एसिड, सी पे पॉजिटिव आ गया ना, हाँ सही है मयंक, सी पॉजिटिव जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, अच्छा मैंने इसको
लियूस बेस क्यों नहीं बोला जबकि ओपे माइनस चार्ज आ रहा है, ओपे माइनस चार्ज आ रहा है, मैंने इसको लियूस बेस क्यों नहीं बोला सर? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पे स्टेबल है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इसके पास स्टेबल है इसलिए। फिर लास्ट है ऐसे कंपाउंड जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे SnCl2, जैसे SiF4, व्हिच कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। SnCl2 भी एक्सपैंड कर सकता है, इसके बाद सिटिन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। सिलिकॉन के लास्ट में क्या आता है? नियॉन 3s2 3p2, 3p2 आते ही 3d0 हो गया, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। 3d0 का मतलब क्या है? ये अपने ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए क्या होगा? लियूस एसिड। चार डेफिनेशन बताई है, ये चार ही याद रखना, अदरवाइज और भी डेफिनेशन स्कूल लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है। अच्छा, अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो एक बार जल्दी से सोच के बताएंगे सब, कि इन सब में से जो मैंने 12 कंपाउंड दिए हैं उनमें से एक है जो लुईस एसिड नहीं है, कौन सा है वो? सब पे नजर डालेंगे और बताएंगे सोच करके। एक बच्चे ने आंसर दे दिया, चलो तीन चार बच्चों को सही आंसर मिल गया। आंसर इसका AlF3 है, AlF3 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट नहीं है, क्यों बताओ? कि सभी आयनिक बॉन्ड बनाता। हाँ, इसमें आयनिक बॉन्ड है, Al3+ है और 3F नेगेटिव, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, सही ना? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, सही है। मयंक का, निवृत्ति का, और किसी का सही हुआ है? यस सर। चलो और सही है, तीन चार बच्चों को सही हो गया, देवांश का भी सही है। चलो ये ध्यान रखना, ये मैंने लुईस एसिड की डेफिनेशन बता दी है, लुईस एसिड की डेफिनेशन नेक्स्ट नोट कर लेंगे, एक बार लुईस बेस की भी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? डोनर होगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत डिटेल है इसकी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसको डिटेल में करना है वो जीओसी में देख सकता है, उसमें मैंने काफी डिटेल कराई हुई है इसमें। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जैसे एमोनिया हो गया, इसके पास लोन पेयर है, PH3 हो गया, इसके पास लोन पेयर है, जिसके लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है वो क्या है? लुईस एसिड, CH3NH2 हो गया, एन के पास लोन पेयर है, CH3 होल ट्वाइस NH हो गया, एन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। फिर एनायंस जैसे OH नेगेटिव हो गया, नेगेटिव भी अपना चार्ज डोनेट कर सकते हैं, OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये क्या है? लुईस बेस। ये क्या है? लुईस बेस। बहुत सारे लुईस बेस और भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी लुईस बेस का काम करते हैं, कैसे करते हैं वो सब डिटेल तुम जीओसी में चेक कर सकते हो, इतना बता दिया मैंने, इतना ही करना तुम्हें। अब लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस वही है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे BF3 लुईस एसिड है, क्यों? क्योंकि वो NH3, मान लो NH3 से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो BF3 यहाँ पे लुईस एसिड है, NH3 लुईस बेस है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने BF3 को लुईस एसिड तो प्रूव कर दिया, लेकिन इसने मेन कंसेप्ट को मिस कर दिया, ये HCl को प्रूव नहीं कर पाया कि लुईस एसिड क्यों है, वो मेन कंसेप्ट ही मिस कर दिया, कुछ लिमिटेशन ने दूर कर दी है लेकिन मेन कंसेप्ट से दूर हो गया, मेन कंसेप्ट से ये दूर हो गया। और दूसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है, जबकि एसिड बेस रिएक्शंस क्या होती हैं? फास्ट होती हैं।
तो इसकी भी लिमिटेशंस थी। ऐसा नहीं कि वाइडली यूज कंसेप्ट वही है अरिनियस वाला, जिसने मेन कंसेप्ट दिया जो जिसके पास एच प्लस आयंस वो एसेट, क्योंकि मोस्टली सभी एसेट्स के पास एच प्लस आयंस होते हैं, तो वाइडली यूज कंसेप्ट अरिनियस का ही है। लिविस ने लिमिटेशंस को दूर किया लेकिन मेन कंसेप्ट से दूर हो गया था, तो ये इसमें दिक्कत थी इस वाले कंसेप्ट में। तो लिविस कंसेप्ट यहाँ पे हमने कर लिया। नेक्स्ट अब इसके अंदर ना फ्रैंकलिन थ्योरी और लक्स फ्लड कंसेप्ट, फ्रैंकलिन थ्योरी लक्स फ्लड कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट। फ्रैंकलिन थ्योरी, इसने बोला एसिड ऐसा सब्सटेंस है विच गिव्स कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एनायन देगा सॉल्वेंट, जिसके अंदर सॉल्वेंट का एनायन प्रेजेंट होगा। एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स एनायन ऑफ द सॉल्वेंट, सही ना। तो देखो जैसे एग्जांपल मैंने बोला, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ये क्या होगा NaNH2 क्या होगा इसके अंदर, N2O4 इन NOCl ले लेते हैं, NOCl इन N2O4 उल्टा लिखो उसको, NOCl इन N2O4 और NH4Cl लिक्विड अमोनिया, बताओ जरा क्या होंगे अभी ए बी और सी क्या होंगे जल्दी से, ए क्या है बी क्या है सी क्या है, हाँ निकाल लिया क्या। चलो एक में बता रहा हूँ बाकी सोचो। हाँ सही, हाँ सही है मैं। देखो NaNH2 लिक्विड अमोनिया बोला, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 में NH2 माइनस कॉमन है दिख ही रहा है, NH3 कैसे रुटेगा, सेल्फ डिफ्यूजन होगा इसका, होगा इसका अगर सेल्फ डिफ्यूजन होगा तो जैसे पानी का होता है NH2 प्लस और NH4 प्लस मिलेगा, क्या कॉमन मिला इसमें, NH2 माइनस कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये बेस, समझ गए कि नहीं है, समझ आ गया कि नहीं है, yes। दूसरा क्या होगा NOCl क्या होगा NH4Cl क्या होगा, NOCl टूटेगा NO प्लस देगा, NOCl क्या देगा NO प्लस, और ये क्या देगा NO प्लस और NO3 नेगेटिव, तो ये कॉमन कैटायन हो गया, तो ये सर एसिड क्या हो जाएगा, एसिड सर एसिड, लास्ट निकाल लीजिए एक बार, रीजॉइन करना है